नमस्ते, आपका स्वागत है रेसिपी विथ गीता में। आज मैं बताने वाली हूँ जो केले की सब्जी बनती है उसके जो छिलके होते हैं उसे वेस्ट ना करें, फेंके ना, उसे आप चटनी बनाएं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं चटनी। देखिए, हमने केले के छिलके जो हैं इसमें डाल लिए हैं, मैं इसी में उबालने वाली हूँ और एक इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे उबालने भर पानी, इसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें 1/2 चम्मच से भी कम नमक डाल देंगे और इसे गैस पे चढ़ा देंगे। देखिए, हमने गैस पे इसे चढ़ा दिए हैं और मीडियम आंच कर दिए हैं। इसे उबालेंगे जब तक ये पक ना जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। इसे अब हम कवर करके छोड़ देंगे। अब इसे हम उबालने देंगे जब तक पक ना जाए। ये अब देखते हैं पका है कि नहीं। देखिए, बिल्कुल हमारा पक चुका है। अब गैस को ऑफ कर देंगे हम। अब इसे हम पानी सारा अलग कर लेंगे, इसको सारा हम निकाल लेंगे। देखिए, हमने अलग कर ली है और हम इसमें 2 मिर्ची, 1 टमाटर और लहसुन डालेंगे। कम से कम ये 11 लहसुन है। अब इन सारे को हम मिक्सी में पीस लेंगे। जब ये हमारा ठंडा हो जाएगा, ये केले के छिलके, तभी हम पीसेंगे। ठंडा होने देंगे अभी। देखिए, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे हम जार में डाल देंगे सारे। अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे और सारे इसमें लहसुन डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे ताकि सूखा है ये, आसानी से पिसा जाए। ये थोड़ा सा पानी डाल देंगे। देखिए, हमने पीस लिया है इसे। अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे। इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं इसमें नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमारा रेसिपी कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा।